हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्टेबिलाइजर के अंदर में है और जो आप थंबनेल में देखा है जो एक वीडियो में पूरा स्टेबिलाइजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। और मैं स्टेबिलाइजर तीन प्रकार का होता है, एक मैनुअल, एक ऑटोकट और एक ऑटोमेटिक। मैं दो ही स्टेबिलाइजर का बात करूँगा आज, एक मैनुअल एक ऑटोकट। ठीक है, तो पहले कुछ बात कर लेते हैं, उसकी बाद रिपेयरिंग दिखा दे, पूरा वायरिंग भी दिखाएंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर को देखेंगे सही है कि खराब है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ये जो बोर्ड है ये ऑटोकार्ट का है, तो सिर्फ यही बोर्ड लगा देंगे तो इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा मैनुअल स्टेबिलाइजर। कैसे, इसमें एक तो रिले है, जब कट करेगा तो आउटपुट का जो बोर्ड हम लोग का मिलता है वो स्टेबिलाइजर नहीं देगा, इसका मतलब वो मैनुअल ऑटो कट है। कैसे पता चलेगा वाला बोर्ड अच्छा है या खराब है, तो फास्ट में चेक करना पड़ेगा जो 12 बोर्ड आ रहा है कि नहीं, जो ये बोर्ड में चलता है 12 बोर्ड में चलता है वाला बोर्ड। और सेंस का जो बोर्ड होता है वो ट्रांसफार्मर से आ रहा है कि नहीं, ये वाला भी चेक करना पड़ता है। उसके बाद खराब है, इसको रिपेयर मत कीजिए, उसको खराब होने से पूरा चेंज कर दिए, रिपेयरिंग इसमें क्या करना है, ज़्यादा दाम तो भी नहीं है इसका, 40-50 में मिल जाता है। तो अब रिले का, रिले कैसे काम करता है, रिले इसमें अंदर एक वर्निंग रहता है, जब इसके अंदर में वर्निंग, हम इसमें रिले को जब बोल देंगे तब वो स्विचिंग का काम करता है, जब इसमें मैग्नेट फील होगा तब वो क्या करेगा, जिसके अंदर में साइड में जो प्लेट रहता है जब इसमें मैग्नेट फील होगा तब उसको सट जाता है, तब रिले एक सट जाता है, तो उसके अंदर में जो पॉइंट रहता है वो कनेक्शन कट जो जोड़ता है फिर कट होता है, ऐसा ही रिले काम करता है, स्विचिंग की तरह रिले काम करता है। रोटर है और पहले हम दिखाएंगे ट्रांसफार्मर कैसे चेक करें। ठीक है, पूरा खोला हुआ है, देखिए पूरा स्टेबिलाइजर पूरा खोल के रखा हूँ मैंने, पूरा आज इसको पूरा वायरिंग करेंगे, आज ये ऑटो कट बनेगा। ठीक है, मैनुअल तो हम बता दिया, सिर्फ एक तो ए वाला बोर्ड से सिर्फ लगा देंगे मैनुअल हो जाएगा, जब बोल्ट मतलब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, जब रेड लाइट जलेगा तो आउटपुट का वोल्टेज नहीं मिलेगा, उसका मतलब वो मैनुअल हो गया, मैनुअल स्टेबिलाइजर। चलो पहले हम इसको पहले वायरिंग करते हैं, दिखाते हैं रिले कैसे काम करता है, वो भी बता दिया, ये स्विचिंग की तरह काम करता है, तब जो बोल्ट आता है तब वो क्या करता सड़ जाता है, तब ये स्विचिंग की तरह काम करता है। चलो मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिस भी भाई मेरा चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वाला जो सोल्डिंग आयरन है बहुत अच्छा है, इसमें 65 वाट का है। ठीक है, इसमें बीट भी तुम खोल के बड़ा बीट भी लगा सकते, इसमें बहुत सारा बीट आता है। ठीक है, दिखा रहे हैं बहुत सारा बीट भी आता है, अच्छा है, सोल्डिंग आयरन है, रेगुलेटर सिस्टम है, तुम चाहे तो वोल्ट बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। मैं ये वाला आयरन यूज़ करता हूँ तो अच्छा मुझे फील होता है, अच्छा आयरन है। और जब स्टेबिलाइजर में काम करेंगे तो उसमें तार मोटी मोटी तार रहता है, तो उसमें वाट की ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को पड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नीशियन लोग 25 वाट में काम करते हैं। तो ये वाला आयरन रहने से क्या होगा, आप बढ़ा भी सकते हो इसको घटा भी सकते हो, 65 वाट का है। तो मेरा सजेशन बोलने का, तो आयरन बहुत अच्छा है, आप अब यही आयरन में काम कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उधर से खरीद लीजिएगा। पहले हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे अच्छा है या ख़राब है, तो पहले समझ लेते हैं कौन वाला इसमें ग्राउंड है और 12 वोल्ट कौन वाला है। देखिए जो वर्निंग के अंदर में देखिए ध्यान से, जो एकदम अंदर से निकलेगा जा वो होगा 12 वोल्ट, थोड़ा तो बाहर में है ये ग्राउंड है ट्रांसफार्मर का ग्राउंड, और एक तो इधर से मिल लेंगे, तो लगा लेते हैं पहले हम, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मैंने लगा लिया इनपुट का लाइन, इधर एक लगाया और इधर एक लगाया, जो
रोटर में गया है, ठीक है। तो हम अब इसको लाइन देंगे, चेक करेंगे जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी काम करें सीरीज में काम करें, ठीक है। पहले मैं इसको सीरीज में लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सीरीज में लाइन दिया, मीटर में 600 रेंज पे लगा लिया। अब मैं इसको वोल्टेज देखिए, वोल्टेज कम दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला वायर को अब रोटर का इसमें लगाएंगे, ठीक है। इसमें लगा, अब इसमें लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ने के जगह कम होने लगेगा। उल्टा ये उल्टा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको घुमा के लगा लेना। तो फिर अब इसमें हम ये वाला वायर को इसमें अब लगा के देखेंगे। पहले हम बंद कर लेते हैं, अब मैं इससे खोल के अब इसमें लगाते हैं। ठीक है, फिर लाइन दे रहे हैं। दोबारा से मैं इसको लाइन दिया, देखिए मैग्नेटिंग जैसा आवाज निकल रहा है। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ, देखिए वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तब हमको पता चल गया ये वाला आउटपुट है और ये वाला इनपुट है, ठीक है। अब मैं इसको, एक ही कलर का वायर है तो हमें आउटपुट देख लिया रोटर के किस तरफ से आ रहा है, देखिए ये वाला से आ रहा है। और एकदम इनपुट होगा, एकदम पूरा अलग से, एकदम अलग पिन होगा, देखो इनपुट का एकदम अलग पिन है, ठीक है। तो होगा ये वाला इनपुट का हो गया। चलो अब इसको मैं वायरिंग करता हूँ, ये पुश है, जब इसको दबाता है तो एकदम डायरेक्ट ऑटोकट बोर्ड से डायरेक्ट निकल कर इसमें वोल्ट आता है। तो देखता है जो मतलब चालू करने के लिए जब हम लोग बढ़ाते हैं तो ऑटोकट बोर्ड सेंस करता है जब वोल्ट परफेक्ट है या कि नहीं। जब वोल्ट परफेक्ट रहेगा तभी जाके डायरेक्ट में आएगा, मतलब ऑटोकट से मेन में रिलीज होगा। मैं ये वाला वायर यूज करूंगा, मोटी वायर है, मोटी वायर यूज करिएगा आप। चलो जब वोल्टेज आएगा मत समझ लेना इस ट्रांसफार्मर है जो सही है, ठीक है। नहीं आएगा तो समझ लो ट्रांसफार्मर खराब है, पहले ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वायरिंग करने से पहले जो ट्रांसफार्मर सही है ख़राब है, और ट्रांसफार्मर अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, चेक करना भी नहीं पड़ेगा। जैसा कोई ऐसा स्टेबिलाइजर आया, बहुत दिन का पड़ा हुआ स्टेबिलाइजर है और पूरा तार पर पूरा छप छुट्टा पूरा खोल के रखा है, तो उसको पहले ट्रांसफार्मर को चेक कर लीजिएगा। नहीं तो पहले तुम वायरिंग पूरा ऑल कंप्लीट करोगे, मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। पहले ऐसा करके ट्रांसफार्मर को चेक कर लीजिएगा। चलो मैं इसको खोल देता हूँ। अब मैं इसमें कनेक्शंस करेंगे,
इनपुट का फ्यूज है, सभी वायर हम खोल लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखो और स्किप मत करिएगा, स्किप करेगा तो आप एकदम समझ में नहीं पाओगे। ठीक है, देख कितना अच्छा वायर है, वायर से हम इसको कलेक्शन करेंगे। देखिए न्यूट्रल है, फेज है, चलो फर्स्ट इसको लगा लेते हैं। पहले इनपुट का कनेक्शन कर लेते हैं, ये डायरेक्ट इनपुट चला जाएगा। इसका ग्राउंड भी लगा लेते हैं, इम्प्रो मेन लाइन का ग्राउंड है, इसमें हम लगा लेते हैं इसके अंदर। मैं इनपुट का ग्राउंड लिया और ये वाला जो है ये होगा आउटपुट जो ट्रांसफार्मर से निकल के आ रहा है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट दिखाया था कौन वाला, ये वाला आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है। चलिए फर्स्ट मैं रिले का कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो ग्राउंड लिया मैंने मेन वायर से ग्राउंड, इनपुट ग्राउंड जो आ रहा है, मैं अभी रिले का इनपुट में ग्राउंड देता हूँ। देखिए एक तो कैपेसिटर भी लगा लीजिएगा। ठीक है, और पहले मैं रिले का बोल्ट दे देता हूँ। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। रिले का हम ग्राउंड दे देते फर्स्ट, रिले का जो 12 वोल्ट आएगा वो ऑटो कट बोर्ड से आएगा। ठीक है, फर्स्ट हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको दे दिया।
और फिर डायरेक्ट पूरा मीटर में चला जाएगा, स्टेबलाइजर का जो मीटर है वो इसमें चला जाएगा। और रिले का जो बार बोर्ड है जो कट करेगा तो वो ऑटो कट बोर्ड से आएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्किप करोगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अब इसका जो नीचे वाला है डायरेक्टली मैं वही वायर इनपुट ये आउटपुट कट करने वाला देखिए मैं इसमें लगाएंगे, मैं जैसे लगाता वैसे भी देख के लगाओ। मेन यही चीज का कनेक्शन करना होता है स्टेबिलाईजर में। ठीक है, अब मैं इसको बीच में लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो वायर है मैं इसमें लगाऊंगा और डायरेक्ट डीपीटी के स्विच में जाए, डीपीटी का स्विच है उसमें चला जाएगा। इनपुट लाइन लेंगे, मैं इनपुट में इनपुट चलाएगा, इनपुट इनपुट मैं इनपुट मैं इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट लाइन मैं इनपुट लिया, जाके इसमें लगा देंगे। लास्ट में फिर एक बार बोल देंगे हम कैसे कैसे कनेक्शन करना है। अब मैं इनपुट लाइन ले रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर में इनपुट होगा ठीक है, अब इधर से मैं पूरा एकदम ट्रांसफार्मर का इनपुट लाइन देंगे। ठीक है, पहले पहले मैं डीपीटी का स्विच का कनेक्शन कर लेता हूँ।
जाके मेन इनपुट गलत हो गया इधर। ठीक है, ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर आउटपुट में जाएगा ट्रांसफार्मर का। देखिए DBDT स्विच में मैंने लगाया ट्रांसफार्मर का ए आउटपुट इनपुट वायर DBDT का स्विच में गया है। ठीक है, अब मैं इनपुट में लगा देते ट्रांसफार्मर का इनपुट में वाला लगा देते वायर। लगा दिया, अब ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट में भी लगा देते हैं। लगा दिया, ये रिले का ग्राउंड है। ठीक है, हो गया, और अभी भी दो पॉइंट बाकी है। अभी मैं दो पाने पर डायरेक्ट एक जगह कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा बोला। देखिए ये ट्रांसफार्मर का इनपुट जा रहा है, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट जा रहा है और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकल के आ रहा है। जब ऑटो कट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक डायरेक्ट जो इनपुट जो वोल्ट होगा वो डायरेक्ट आउट करेगा। कैसे आउट करेगा, जब समझो इसमें 12 वोल्ट दिया तब ये जो कनेक्शन है बीच में न्यूट्रल में रहता है, न्यूट्रल के छोड़ के ये वाला जो डायरेक्ट है ये डायरेक्ट इसमें चला आएगा, मतलब कनेक्शन सट जाएगा। तब क्या होगा, इसमें जो इनपुट लाइन रहेगा वो इनपुट लाइन आउट होके चला जाएगा। ठीक है, चलो रिले का कनेक्शन सही हो गया पूरा प्रॉपर। अब चाहे तो एक बार स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो फ्यूज से डायरेक्ट रिले का इस पॉइंट पे आया। ठीक है, और बीच ये वाला जो पिन है ये डायरेक्ट DBDT स्विच से होके वो डायरेक्ट लोटर का इनपुट में गया, मतलब ये ट्रांसफार्मर का इनपुट है, देख लीजिए। ठीक है, ये इनपुट है और आउटपुट, देखिए वाला आउटपुट, आउटपुट ठीक है डायरेक्ट, देखिए DBDT का स्विच से
डायरेक्ट इसका बीच में है। जब ऑटो कट हो जाएगा तब ये जो मेन लाइन है डायरेक्ट ऑटो कट होके इस लाइन से होके इस पार होके चला आएगा। ये पूरा न्यूट्रल में रहता है, दोनों पूरा न्यूट्रल में रहता है। ठीक है, चलो अब इसका बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। चलो मैं अब ऑटो कट बोर्ड लेता हूँ और इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए इधर लिखा भी रहता है 12 वोल्ट एसी इनपुट, इसमें इनपुट जाएगा एसी, मतलब जो ट्रांसफार्मर से तो डायरेक्टली एसी निकलता है ना, 12 वोल्ट एसी निकल रहा है। अब इसमें लगाएंगे, इसमें डायोड लगा दिया तो रेक्टिफायर हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इसको लगा लेता हूँ। दोनों का आपस में सेट लेते हैं। इस बोर्ड का भी 12 वोल्ट मिल गया। अब इधर से 12 वोल्ट कट करेंगे, ये वाला रिले को ऊपर फोल्ड देंगे हम। देखिए ये 12 वोल्ट ये वाला छोटा रिला से ओके चला रहा है। जब इसको कट हो जाएगा तब न्यूट्रल का अंदर में चला है, बीच वाला न्यूट्रल है पूरा डायरेक्ट न्यूट्रल में आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल में तो खाली रहता है वाला पिंड, बीच वाला जो है। ठीक है, ये वाला पिन पे चलाएगा, जब कट हो जाएगा तो ये वाला पिन पे इसका जो सिस्टम रहता है वाला और माने रिले का ऑटो कट होता है ठीक ना, ये वाला बीच में आके जाए रुक जाएगा तो उसमें लाइन छूट जाएगा, तब इसका ऑन ऑफ माने ये बोर्ड का काम है, इस रिले का ये बोर्ड इसको ऑन ऑफ करेगा और रिले से ऑन ऑफ होगा ये वाला। ठीक है, तो मैं अब इसका रिले का बोर्ड इसमें दे देता हूँ, लगा दिया। अब इस बोर्ड को चलने के लिए ग्राउंड भी तो लगेगा, तो हम इसके देखिए ये जो ग्राउंड लिया इस बोर्ड से, मैं इसको ले लूँगा, इसमें ग्राउंड ले लूँगा। ग्राउंड कौन वाला है, कोई की कैपेसिटर का, हाँ ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, मैं इसका ग्राउंड ले लूँगा, सही से देख लेता हूँ। हाँ यही यही ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है। चलो हम इसको ग्राउंड ले लेते हैं, तार को बढ़ा ही रहने देते हैं। दोबारा से दिखाता हूँ, देखो मैं इसका इस बोर्ड का ग्राउंड दे दिया, ये जो 12 वोल्ट इसका इनपुट है ट्रांसफार्मर से आया है, इसमें जिस बोर्ड 12 वोल्ट इसमें दे दिया और इधर से 12 वोल्ट निकलेगा कट आउट करके। जब इस रिले को कट करेगा तब ये 12 वोल्ट बंद हो जाएगा, जब नहीं कट मतलब नहीं कट करेगा तो ये वोल्टेज ऐसा चलता रहेगा, इसमें जाता रहेगा। ठीक है, हो गया, फिर से देख लो इसका कनेक्शंस मेरा हो गया। अब इसका सेंसिंग बोल्ट देना पड़ेगा, सेंसिंग का ये जो पहले ऐसा उखाड़ लीजिएगा, जैसा सेम बोर्ड लगाओगे तो जैसा मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ऐसा कनेक्शन कीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम उठा लिया, अब इसमें हम सेंस बोल्ट देंगे, मतलब जो आउटपुट का जो बोल्ट होता है वही बोल्ट हम इसमें देंगे। ठीक है,
अच्छा वाला वायर लगा था, छूट गया वाला। सेंसिंग बोल्ट हम इसमें देंगे, हम इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले लेते हैं सेंसिंग बोर्ड। सेंसिंग बोल्ट दे देते हैं, जो ट्रांसफार्मर का आउट निकलता जो बोल्ट उसी बोल्ट को सेंस करेगा, देखेगा ज़्यादा होगा तो ऑटो कट कर देगा, रिले को वोल्टेज भेजा देगा तो ऑटो कट हो जाएगा। चलो देख लीजिए मैं कैसे कनेक्शंस कर लिया, और मीटर को भी हम कनेक्शंस करेंगे। ठीक है, मीटर को एक तो ग्राउंड चाहिए और आउटपुट का वोल्टेज हमको देखना है, आउटपुट का वोल्टेज देखना है मतलब जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट हो रहा है वोल्टेज वही वोल्टेज में भी जाएगा। चलो वही वोल्टेज हम इसमें भी दे देते हैं, जैसे छोटा कर लेते हैं वायर को। देखिए मैं इस मीटर का कनेक्शंस कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज मीटर में जाएगा क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज हमको चेक करना है। ट्रांसफार्मर का इनपुट नहीं, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो वोल्ट होगा वही मीटर में भी जाएगा। ठीक है, अब मीटर को एक तो ग्राउंड लगेगा,
अब मीटर का ग्राउंड भी दे देंगे, मीटर का ग्राउंड मीटर का ग्राउंड कनेक्शंस कर रहा हूँ, मीटर का ग्राउंड देखिए, मीटर का ग्राउंड दे दिया। अब मैं लाइट का कनेक्शंस करूँगा, ठीक है। मेन लाइट जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें भी लगा देंगे, जो ग्रीन लाइट हम लोग का जलता है वो, और रेड लाइट भी को लगा देंगे जो रिले। देखिए कट होने के बाद ये वाला लाइट जलेगा, हम इधर लगा देते हैं। हो गया मेरा टोटल कनेक्शंस स्टेबिलाइजर का, ठीक है। अब मैं इसको और भी एक तो बाकी है, वो है पुश स्विच का कनेक्शंस देंगे। जब हम उसको पुश करेंगे तभी, जैसा समझो ऑटो कट हो गया, ऑटो कट होने के बाद जो ट्रांसफार्मर का लाइन जो इनपुट होता है वो हट जाएगा, ठीक है। तब हम इसको जब पुश करते हैं तब ट्रांसफार्मर में लाइन जाएगा, लाइन जाने के बाद आउटपुट ट्रांसफार्मर जब निकलेगा तो वो संग पुश करने से संग आउटपुट का लाइन जब निकलेगा तब सेंस कर लेगा, वोल्ट ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज रिलीज नहीं, मतलब कट सा आउट नहीं होगा, ठीक है। और कम रहेगा तब पुश करने से जो कट हो रहता है वो आउट होकर मेन ग्रीन बत्ती जलेगा। दोबारा समय बोल रहा हूँ, पुश स्विच लगाने का मतलब होता है जब हम पुश स्विच का कनेक्शंस करते हैं ऑटो कट होने के बाद तब ट्रांसफार्मर पूरा न्यूट्रल में रहता है, मतलब उसमें कोई वोल्टेज नहीं इनपुट रहता है, ठीक है। तब हम पुश स्विच करेंगे, पुश करने से ट्रांसफार्मर वोल्ट जाएगा, वोल्ट जाने के बाद तभी जो रेड सिग्नल है रेड से ग्रीन होगा, तब ग्रीन तभी होगा जब हम पुश करेंगे, जब ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज इसमें सेंस करेगा ज़्यादा होगा तो रेड से ग्रीन नहीं होगा, जब देखेगा कम है तभी रेड से ग्रीन होगा, ठीक है। अब पुश स्विच का कनेक्शन कहाँ करेंगे हम, ओह ट्रांसफार्मर का इनपुट लाइट में करेंगे, इनपुट लाइन में करेंगे। देखिए जो इनपुट जा रहा है इसमें किया, जब हम इसमें हम पुश करेंगे तभी ट्रांसफार्मर में लाइन जाएगा, ठीक है। तो जब ऑटो कट होने के बाद ही तभी करेंगे पुश, तब ट्रांसफार्मर में लाइन जाएगा, ट्रांसफार्मर आउटपुट को सेंस करेगा, देखेगा वोल्ट ज़्यादा होगा तब माने रेड से ग्रीन नहीं जलेगा, जब कम होगा जब सेंस करके देखेगा वोल्टेज कम है तभी वो रेड से ग्रीन होगा। पूरा कनेक्शन मेरा हो गया, अब इसको मैं लाइन दूंगा, देखे चेक करूंगा। लाइन देना सीरीज में काम करने के दोस्तों, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तभी मैं लाइन पे देके चेक कीजिएगा। पहले हम एक बार देख लेते हैं कहीं पर गलती तो नहीं किया, ठीक है ठीक है। अब उस कपड़ा को दे देते हैं,
अब मैं सीरीज में इसका लाइन दूंगा। चलो पहले थोड़ा सा इसको सही से फिटिंग कर लेते, उसके बाद लाइन लगे, क्योंकि उलट पुलट के पूरा कनेक्शन। चलो मैं इसको लाइन देता हूँ। देखिए रेड लाइट जल रहा है, अब मैं इसको पुश करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ाने से देख ऑटो कट हो गया। अब मैं इसको पुश करूँगा, दोबारा से चल गया, सेंस करके देखता है ज़्यादा वोल्ट हो गया है। ठीक है, तभी ऑटो कट। जब इसको कम करके फिर मैं इसको पुश करूंगा, देखिए चालू हो गया। ठीक है, अब मैं इसको पूरा फिटिंग करके फिर और एक बार सब लोगों को समझा देता हूँ। तो मैं पूरा फिटिंग कर लिया और अब मैं इसका वोल्टेज एडजस्ट करेंगे। वोल्टेज जब एडजस्ट करेगा तो डायरेक्ट लाइन पे देके एडजस्ट करो, सीरीज में मत दो। ठीक है, चलो अब मैं लाइन देता हूँ। देखिए रेड लाइट जल रहा है, अब इसको मैं पुश करेंगे, देखो ग्रीन लाइट जल रहा है। मतलब इधर देखो मीटर की तरफ देखो, डायरेक्ट जो इनपुट हुआ जो वोल्ट वो डायरेक्ट आउटपुट होकर निकल जा रहा है। देखिए रेड लाइट जल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं पुश करता हूँ, मतलब ज़्यादा है इसलिए ऑटो कट, फिर रिटर्न बैक ऑटो कट हो जा रहा है। फिर मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर पुश करता हूँ। देखिए इधर वोल्टेज देखिए मीटर में 200 करीब। ठीक है, फिर दोबारा मैं एक बार लाइन देता हूँ उसको। ठीक है, अब मैं उसको पुश करता हूँ, देखो पूरा 220 का इसका सेट करके रखा हूँ। ठीक है, और बोलने का मतलब है मेरा, आप जब एडजस्ट करेंगे वोल्टेज, ठीक है, जब देखेंगे वोल्टेज आउटपुट में कम हो रहा है बा ज़्यादा करेगा एडजस्ट करने के लिए, तब इसको दबा के ऑटो कट हो गया। अब इसको पुश करके पी सेट को घुमा के एडजस्ट कीजिएगा जो कितना वोल्ट मुझे आउटपुट में चाहिए। पुश इसको दबा के पीसेट को एडजस्ट कीजिएगा वोल्टेज। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।